गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम आदित्य चौधरी। गाइस आज मैं आया हूँ बहुत ही ज़्यादा बिग सेलर के पास, डॉग सेलर के पास। तो भाई के पास बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस मिले थे और मैंने इनके भाई के पास कम करीबन 6 से 8 महीने पहले वीडियो शूट करी थी, फिर दोबारा आज मैं आया हूँ। तो देखते हैं भाई कैसी कैसी प्राइस देते हैं और बहुत ही ज़्यादा भाई कह रहे हैं डिस्काउंट मिलेगा आपके पास यहाँ पर आए हो तो आपकी ऑडियंस को। तो सीधा चलते हैं भाई के पास, मिलाता हूँ। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। और लॉकडाउन में धंधा कैसे चल रहा है? भाई इस लॉकडाउन में तो अभी कुछ भी कमाई नहीं हुई है, बाकी काम पूरा ठप पड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ अच्छा। इसीलिए अब बहुत भाई उस टाइम वीडियो बनाई थी तो कैसा रिस्पांस आया था? भाई उस टाइम आपने वीडियो बनाई थी हमारी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी कस्टमर आया हमारे पास और काफ़ी कस्टमर को हमने काफ़ी चीपेस्ट में अच्छी चीज़ अवेलेबल कराई थी, कस्टमर भी काफ़ी खुश थे। ठीक है, और तो भाई इस बार उससे ज़्यादा चीपेस्ट होने वाला है? हाँ जी भाई, इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ उससे भी ज़्यादा चीपेस्ट और उससे भी बेस्ट क्वालिटी। भाई सुन रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा चीपेस्ट मिलेगा। तो भाई कौन कौन से ब्रीड इस टाइम अवेलेबल है? भाई आज मैं आपको दिखाऊंगा अमेरिकन बुली। अच्छा। ठीक है, और आपको दिखाऊंगा अमेरिकन एस्किमो पॉम। अच्छा। और आपको दिखाया जाएगा पग। ठीक है, और गोल्डन रिट्रीवर। अच्छा। और आपकी लासा एप्स और फ्रेंच मास्टिफ जैसी ब्रीड है। भाई कौन सी ब्रीड आ गई आपके पास? भाई आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रीड है हमारे पास अमेरिकन बुली की बच्ची है। अमेरिकन बुली की बच्ची, और ये पॉकेट साइज में है। पॉकेट साइज? हाँ जी। अच्छा। और आप क्वालिटी देख सकते हैं, बाकी बच्ची कहीं से वीक नहीं है। अच्छा भाई एक क्वेश्चन और पूछना, जैसे किसी को पता कैसे करना है कि मतलब ये अच्छी क्वालिटी है या बेकार क्वालिटी है? भाई देखो क्वालिटी में दिक्कत ये आती है, जैसे कि आपकी लो क्वालिटी का पप्स होंगे तो उसमें बोन ना काफी वीक होते हैं। अच्छा, भाई इसकी काफी हैवी बोन्स है। हाँ जी। हाँ तो और फिर? और जो इनकी चमड़ी होती है हाँ। वो इतनी ग्रो नहीं करती, देखिए जैसे इसकी लटक जाती है, और ये पप्स आवाज़ भी नहीं करते। अच्छा। एक यही इनकी खासियत होती है, इनके मांस इनमें चर्बी ज़्यादा होती है, जो अच्छा। हाई क्वालिटी के पप्स होते हैं हाँ। और जो प्योरिटी चेक करने के लिए मेथड होता है हाँ। उनमें चर्बी ही देखी जाती है मैन। अच्छा। और बाकी आपका ये मज़ल देखा जाता है, आप मज़ल देख सकते हैं कितनी चौड़ी है, काफ़ी चौड़ी है। तो भाई इसका प्राइस पिटारा खोल दो। हाँ जी भाई बताइए। प्राइस में होना चाहिए भाई क्या? भाई बिल्कुल आज मैं आपको ये अवेलेबल कराऊंगा 7 से 8 हज़ार रुपए में फीमेल। सच में? हाँ जी भाई, 7 से 8 हज़ार रुपए। 7 से 8 हज़ार रुपए फीमेल। अच्छा, और मेल की बात करो तो मेल? भाई मेल आपको ये अरेंज कराया जाएगा सिर्फ 13 से 14 हज़ार रुपए में। 13 से 14 हज़ार रुपए में? हाँ जी भाई। भाई वैक्सीनेशन पूरी फुल? भाई हाँ जी बिल्कुल, आपको फर्स्ट वैक्सीनेशन कम्प्लीट करवा के देंगे विथ कार्ड। अच्छा भाई, चलो भाई फिर नेक्स्ट कौन सा दिखाने वाले हो? भाई नेक्स्ट आप, मैं दिखाऊंगा आपको पग डॉग। पग डॉग? हाँ जी भाई। अच्छा ठीक है भाई, आप कौन सी ब्रीड लेके आ गए? भाई अब मैं आपको दिखाऊंगा पग डॉग। पग डॉग? हाँ जी भाई। अच्छा तो भाई ये आ गया पग। भाई कितने महीने की है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये। भाई ये महीने की नहीं, ये आपकी 5 ईयर्स की है। 5 साल की? हाँ जी भाई। सच में? हाँ जी भाई, भाई बिल्कुल नहीं लग रही 5 साल की। ये 5 ईयर्स की बेबी है। अच्छा, और ये फीमेल है। अच्छा फीमेल है। हाँ जी भाई। तो भाई और इसके बच्चे बच्चे हुए हैं अभी तक? भाई अभी तक मैंने इसको क्रॉस नहीं करवाया है। अच्छा, क्रॉस नहीं करवाया? ठीक है, काफी लाडली रह चुकी है अपने घर में। अच्छा हाँ जी। तो हाँ जैसे दिख रहा भाई इसके, मुझे नाखूनों से पता लग रहा है काफी, मतलब बाहर बार घर पे रहते ना? हाँ जी बिल्कुल भाई, इसे घर पे रखते हैं और इसकी काफी केयर की जाती है। काफी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी लग रही है, काफी डरी डरी सी है ऐसा? भाई ये काफी डरी डरी ही रहती है, ये फीमेल है और ये घर में ना ये बिल्कुल भी भौंकती भी नहीं है। अच्छा। ये एकदम फैमिलियर ब्रीड होती हैं। अच्छा, टॉय ब्रीड? कैसी ब्रीड होती है? ये आपकी टॉय ब्रीड में ही आ जाते हैं, टॉय ब्रीड में। हाँ जी भाई। अच्छा मतलब कोई बंदा पाले तो घर की देखभाल करेगी नहीं करेगी? भाई ये देखभाल के लिए नहीं, ये टॉय ब्रीड एकदम मतलब जैसे शौक के लिए। टेडी बियर टाइप? हाँ जी टेडी बियर। अच्छा हाँ, तो भाई और बताओ कुछ इस ब्रीड के बारे में। भाई ये ब्रीड बहुत ही अच्छी है, बाकी मैं आपका बताऊं तो इसे काफी एक्टिव डॉग है भाई। हाँ जी भाई ये एक्टिव बहुत है। ओए तू कहाँ आ रही है, चल तेरे भी वीडियो बनाएंगे अभी, थोड़ी सा तू उधर साइड हो। गिने। अच्छा भाई इसका नाम क्या है? भाई इसका नाम जिमी है। जिमी? हाँ जी। अच्छा अब भाई इसका पिटारा खोलना कितने की है? भाई इसका पिटारा अगर आप ये फीमेल हमसे लेते हैं तो अच्छा। आपको ये फीमेल भी मिल जाएगी 7 से 8 हज़ार रुपए की, और इसका मेल आपको चाहिए तो वो आपको 11 से 12 हज़ार रुपए का रेंज हो जाएगा। 11 से 12 हज़ार रुपए? हाँ जी भाई। फुल्ली वैक्सीनेशन? फुल्ली वैक्सीनेशन डन, फर्स्ट विथ बुक। विद बुक? हाँ जी भाई। तो भाई फिर अब कौन सा डॉग दिखाने वाले हो? भाई अब मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर? हाँ जी भाई। चलो भाई ये हमारी स्वीटी है। स्वीटी? हाँ।
भाई नाम तो बड़ा प्यारा है यार। भाई बिल्कुल, ये भी बहुत प्यारी है, एकदम स्वीटी। अच्छा हाँ। भाई एक बार दिखा दो इसकी ब्रीड, दिखा दो भाई। बहुत सारे बंदे बोलते हैं यार ये नकली ब्रीड है, नकली ब्रीड। नहीं भाई, नकली ब्रीड नहीं है इस ब्रीड, ये आपकी कैनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। अच्छा ठीक है। और ये अभी 7 मंथ की बेबी है। 7 मंथ की? हाँ जी। अच्छा, बाकी भाई अच्छे खासे, काफी अच्छे खासे ग्रोथ कर रखी है। हाँ जी। बाकी ये थोड़ा लाइट कलर में है, जैसे गोल्डन रिट्रीवर डार्क गोल्ड कलर में आते हैं, गोल्ड कलर में आते हैं, ये थोड़ा लाइट कलर में है। हाँ, काफी ज्यादा क्यूट लग रही है भाई। हाँ जी भाई। और इसके बारे में कुछ बताओ भाई, इसके मतलब कैसे पता करें कि अच्छी ब्रीड है या लोकल ब्रीड है? भाई ये ब्रीड जो आप होती है, इनके आप मजल देख सकते हो, काफी बल्की होते हैं। हाँ हाँ जी, लटक रहे हैं मतलब। हाँ ये, और इनके जो कान होते हैं, इनपे हेयर होते हैं काफी ज्यादा। अच्छा, और भाई मैंने बहुत सारी ब्रीड देखी है, मतलब गोल्डन रिट्रीवर उसके कान खड़े रहते हैं, पूंछ खड़ी रहती है, वो कैसे ब्रीड होते हैं? वो मिक्स में आ जाते हैं, वो आपकी अदर ब्रीड, किसी भी अदर ब्रीड से मिक्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी गोल्डन रिट्रीवर की पहचान यही है कि उनका फेस बल्की होता है। ठीक है। और गोल्डन रिट्रीवर की सबसे ज्यादा पहचान यह है कि उनके शरीर पे हेयर बहुत होते हैं। हेयर बहुत होते हैं। हाँ जी। तो भाई इसका बारे में, इसकी मुद्रा के बारे में बताओ। भाई इसकी मुद्रा आप अगर आप पूछना चाहे तो आपको 7,500 से 8,500 रुपए में फीमेल अरेंज हो सकती है। फीमेल? हाँ जी भाई। कितने में? 7,500 से 8,500 रुपए में फीमेल अरेंज हो जाएगी आपको। अच्छा भाई, और मेल की बात करूँ तो भाई? आपको मेल इसका मिल जाएगा 13,000 से 14,000 रुपए में। 13,000 से 14,000 रुपए मेल? भाई वैक्सीनेशन डन? भाई पहली वैक्सीनेशन की गारंटी हमारी है, वो आपको कंप्लीट मिलेगी विद बुक। विद बुक? हाँ जी भाई। और भाई क्या डाइट है इसकी? भाई इसकी डाइट आप अगर घर के खाने पे पालना चाहे तो ये इजीली फीड कर जाते हैं। बाकी अगर आप जैसे इसको स्टार्टअप देना चाहे तो आप पेडिग्री दे सकते हैं। ठीक है। रॉयल कैनन दे सकते हैं, बाकी बहुत सारे आते हैं। बाकी आपका स्मार्ट हार्ट का गट्टा आता है, वो भी आप खिला सकते हैं। अच्छा, मतलब कि एक दिन का पर डे का मैं सब मान के चलूँ तो कितना खर्चा आ जाता है? भाई इसका पर डे का ज्यादा खर्चा नहीं है, इसका पर डे का ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए खर्चा है। 50 रुपए बस? इतना तो भाई हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जब इतने पालने की, डॉग पालने की वो सोच रहा, तो भाई इतना तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो भाई 50-60 रुपए कोई ज्यादा नहीं होते हैं। और क्वालिटी एक बार देखो, क्वालिटी भाई एक बार देख लो कैसी है। तो भाई बढ़ते नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट डॉग दिखाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ले ले। हाँ जी बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन बता देते हैं भाई, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी होती है भाई। अच्छा भाई, किसी मतलब जो भी डॉग है, पहला नंबर आपने जैसा कि बता दिया है कि वैक्सीनेशन डन होगी। हाँ जी ठीक है। और कोई सा भी पप्पी आपके पास सेल हुआ, हाँ जी, तो मतलब क्या फीड देना है, क्या कैसे वो कैसे केयर करनी है, वो आप भाई फीड बताओगे? भाई मैं कस्टमर का साथ पूरा पूरा दूंगा, और मैं डॉग इस मेथड से सेल नहीं करता कि मुझे पैसे कमाने हैं। मैं डॉग इस मेथड से चीपेस्ट में सेल कर देता हूं कि डॉग की केयर अच्छी हो। अच्छा। मैं कस्टमर से 10 बार पूछता हूं कि भाई आप अगर डॉग की केयर कर सकते हैं तभी आप डॉग लीजिए। अच्छा, इसीलिए मैं कस्टमर्स को चीपेस्ट में अरेंज कराता हूँ। अच्छा भाई, अब बात आती है डिलीवरी, भाई डिलीवरी का क्या सीन है? भाई आपका डिलीवरी का ये सीन है, आपका पूरे दिल्ली NCR में आपको कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा अवेलेबल है। बाकी जैसे आप दिल्ली से बाहर मंगवाते हैं, जैसे चेन्नई वगैरह, कोलकाता वगैरह, मुंबई वगैरह, तो आपको हाफ पेमेंट एडवांस करनी होगी। अच्छा भाई, डिलीवरी चार्ज मतलब एक्स्ट्रा है क्या, इसी में इंक्लूड होती है? भाई डिलीवरी चार्जेस जैसे आपके 5 to 10 किलोमीटर के अंडर में आता है तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है। बाकी इससे अदर आ जाता है तो आपका डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। अच्छा, और भाई कोई भी वीडियो देख रहा है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। और क्या करना है? सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब जरूरी है भाई, और घंटा दबा देना, घंटा जरूर दबा देना। अब भाई कौन सी ब्रीड है ये? ये भाई आपकी अमेरिकन स्कैमोपॉम है। अच्छा। हाँ जी भाई, और कुछ इसके बारे में बताओ भाई। भाई मैं आपको, काफी ज्यादा मतलब क्यूट सी लग रही है देखने में यार। भाई ये क्यूट ही होते हैं, और ये फैमिली में डॉग पालने के लिए काफी टॉय ब्रीड में आ जाती है ये भी। अच्छा। एक तरीके की। और इसकी हाइट कितनी होती है भाई? भाई इसकी हाइट 8 से 9 इंच है इसकी। 8 से 9 इंच? हाँ। और इसकी कितने मंथ की, मंथ की है ये? भाई ये मंथ की, ये होगी आपकी 1.5 महीने की होगी। 1.5 महीने की हो गई? हाँ जी भाई। अच्छा भाई, इसकी हाइट और कितनी बढ़ेगी भाई? मतलब इतनी रहेगी, इससे थोड़ी और बढ़ेगी? इससे हल्की सी 3-4 इंच और बढ़ेगी। अच्छा, बाकी आपका ज्यादा बड़ी नहीं होती है ब्रीड। अच्छा, मतलब हेयर बढ़ जाएंगे? हाँ जी, इसके हेयर ग्रोथ करेंगे पूरे पूरे, काफी बबली टाइप हो जाएगा ये। अच्छा। हाँ जी, दिखाना भाई पूरी एकदम, मतलब दिखाओ। हाँ जी भाई, आप देख सकते हैं भाई ऐसी क्वालिटी मिलेगी। हाँ जी, प्राइस बताओ भाई फटाफट से। भाई आप अगर इस क्वालिटी में पप लेते हैं तो आपको 5 से 5,500 रुपए का मेल मिल जाएगा। मेल? और हाँ, फीमेल? वो फीमेल, फीमेल आपको मिल जाएगी 3 to 4,000 की। 3 to 4? हाँ। भाई देने वाली बातचीत है ना? बिल्कुल भाई, देने वाली बातचीत है। बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई कॉल नहीं पिक करता, आपकी कॉल भी पिक होगी, और आपको वीडियो में जो प्राइस बताया जा रहा है आपको बिल्कुल उसी प्राइस में अवेलेबल होगा। अच्छा। हाँ,
तो मतलब ये परमानेंट है, इसी प्राइस में मिलेगा कि फ्लैक्चुअल होती रहती है? मतलब भाई थोड़े बहुत कम ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे डिमांड आती है। अभी लॉकडाउन में आप समझ रहे होंगे हर चीज़ों का प्राइस बढ़ गया। यहाँ आप गेहूँ लेने जा रहे थे, उसके एक एक दाने का प्राइस बढ़ चुका है। तो ये तो फिर भी एक जिंदगी है, एक जिंदगी है भाई। उसमें भी भाई इतनी चीपेस्ट में मिल रही है? हाँ जी भाई, लॉकडाउन में भी चीपेस्ट मिल रही है तो भाई बात ही अलग है। तो फिर तो और ऐसे तो भाई तहलका मचा दोगे। बिल्कुल भाई, आपके लिए मैं आगे भी बहुत सारी ब्रीड लाने वाला हूँ, वो भी काफ़ी चीपेस्ट में। तो फिर नेक्स्ट दिखाते हैं भाई। हाँ जी भाई, आप कौन से ब्रीड लेके आ गए? क्या भाई, इस बार मैं आपके लिए आऊँ फ्रेंच मास्टिफ की फीमेल, ठीक है? हाँ जी भाई, बड़ी कैडी है भाई। हेड देखो भाई, हेड देखो भाई, काफ़ी तगड़ा हेड है। क्वालिटी देख लो भाई, इस बार कोई कमेंट ना कर दे कि नकली ब्रीड लेके आए। तो भाई इसके बारे में कुछ बताओ। भाई ये हमारी बच्ची है, ठीक है, इसका नाम ओसी है। ओसी? हाँ जी, ओसी ब्लू की बोतल। हाँ जी भाई, बिल्कुल वही मान लो। और ये एक बार बेबी दे चुकी है। अच्छा, बेबी दे चुकी है। अच्छा भाई, इसके बाद और इसकी मतलब कुछ बताओ, इसकी फीडिंग के बारे में। काफी हैवी सा लग रहा है, क्या फीड खिलाते हो? इसकी फीडिंग के लिए अभी तो ये घर की डाइट पे है, ठीक है। हाँ, बाकी क्या देते हो घर की डाइट में? भाई इसको घर की डाइट में चिकन, अच्छा ठीक है, और आपका घर का खाना नॉर्मल जो होता है, अच्छा आप वही खाती है ये। अच्छा, हाँ जी भाई। और भाई इसका अब भाई एक बार जबड़ा देखो भाई, भाई भाई देखो एक बार, भाई का देखो भाई, हिल नहीं रहा भाई, समझ नहीं रहा इससे। देखो भाई जबड़ा देखो इसका भाई, क्या इसका प्राइस बात करता हूँ, प्राइस कितना होने वाला है भाई? इसके प्राइस रिलेटिव अगर आप बात करते हैं तो ये आपको फीमेल अरेंज हो जाएगी 14,000 से 15,000 रुपए में। 14,000 से 15,000 रुपए में ये क्वालिटी? हाँ जी भाई, सेम सेम क्वालिटी और इसकी फीमेल पक्का डन है ना भाई? स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो भाई। बिल्कुल भाई, आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया जाएगा। बकायदा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लो आप। अच्छा, मेरे घर की लोकेशन ले सकते हैं, क्योंकि भाई देखो जो भी बंदा ब्रीड कर, जो भी बंदा आएगा आपके पास, तो मतलब भाई रिलेशन वाला सीन होना चाहिए। बिल्कुल भाई, आपका रिलेशन कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट रहेगा, आपको उस चीज की किसी में भी दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, तो भाई इसकी और फीमेल कितने बताई आपने? भाई फीमेल मैंने आपको बताई 14,000 से 15,000 रुपए की। और मेल की बात करूँ तो भाई, मेल की अगर आप बात करते हैं तो आपको 18,000 से 20,000 रुपए में इसका मेल मिल जाएगा। मेल? हाँ जी। अच्छा भाई, अब दिखाओ भाई एक बार इसके इसके बोन्स उठाना भाई। भाई आप बोन्स भी देख सकते हैं, काफी भाई मेरे है। मेरे और इसके देखो भाई, काफी ज्यादा मेरे से ज्यादा चौड़े हैं इसके तो भाई। काफी अच्छी लुक बना रखी है भाई, भाई क्वालिटी जिसे कहते हैं भाई, क्वालिटी। भाई कौन सी ब्रीड है भाई? आपको मैं दिखा रहा हूँ लासा एप्सो। लासा एप्सो? हाँ जी भाई। भाई मतलब लासा एप्सो यार काली बहुत ब्लैक कलर में भाई पहली बार देखा हूँ। हाँ जी भाई, ये काफी यूनिक कलर है। हाँ, इसको इसी वजह से लाया गया था क्योंकि ये बचपन में बहुत क्यूट थी। अच्छा, हाँ जी। तो भाई इसके बारे में कुछ बताओ। भाई बताइए, क्या बताऊँ मैं इसके बारे में आपको? मतलब क्वालिटी कैसे जज करें भाई? क्वालिटी लासा की पहली बार आपको देखा जाता है तो ये टॉय ब्रीड में आ जाती है, ठीक है, पहली बात। और दूसरा, इनके हेयर से इनको पहचाना जाता है। हेयर से पहचाना जाता है? जी भाई। अच्छा, मतलब हेयर से क्या? हेयर काफी इनके मतलब राउंड होते हैं। अच्छा, कर्ली कर्ली टाइप होते हैं? कर्ली टाइप होते हैं। और इनके जो फेस के आगे के हेयर होते हैं वो लाइक अ तेरे नाम मूवी देखी आपने? हाँ, तो भाई तेरे नाम आ भी रही है ये तेरे नाम मूवी, तो कुछ वैसा ही शेड आता है इनका। अच्छा, तो भाई इसकी प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस आपको अगर आप फीमेल लेते हैं तो इसका पपी आपको मिल जाएगा 13,000 से 14,000 रुपए का। 13,000 से 14,000 रुपए का फीमेल? हाँ। और मेल की बात करो? मेल की बात करो तो ये आपको 17,000 से 18,000 रुपए में अरेंज हो जाएगा। अब ब्लैक कलर किसी को चाहिए तो? ब्लैक कलर भी आपको मैं 17 से 18 में अरेंज करा ही दूंगा। 17 से 18 रुपए में? हाँ जी भाई। भाई तगड़ी बातचीत है यार। तो भाई अब नेक्स्ट कौन सा दिखाने वाले हो? भाई नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा एक बुल मास्टिफ। बुल मास्टिफ? हाँ जी। अच्छा भाई। हाँ जी भाई, चलो भाई दिखाते हैं। ओके भाई। भाई एक बार देख लो सांस की आवाज, आपके कानों तक गूंज रही होगी सांस की आवाज। तो भाई अभी कौन सी ब्रीड है? भाई ये हमारा है बुल मास्टिफ। बुल मास्टिफ? हाँ जी। अच्छा भाई, ये काफी हैवी हेड कर रखा है यार। हाँ, क्या खिलाते हो इसको? भाई ये अभी रॉयल कैनन खा रहा है और बाकी आप घर देख सकते हैं, घर की डाइट पे ही है। घर की डाइट पे इधर तगड़ा बना रखा है? हाँ जी भाई। फिर तो भाई रॉयल कैनन खिला रहे, तुम तो फाड़ दोगे इसे। बिल्कुल भाई, भाई देख रहे हो घर की डाइट पे इतना तगड़ा बना रखा है भाई ने। तो भाई इसके बारे में मतलब मैंने सुना है कि भाई सबसे ज्यादा अमेरिकन जो बुली होती है उनके हेड सबसे बड़ा होता है, ये तो उससे भी बड़ा हेड है इसका? हाँ जी भाई, बिल्कुल। अमेरिकन बुली का वैसे देखा जाए तो जितने एग्जॉटिक में आ जाते हैं उनका हेड बहुत ज्यादा ही गेन करता है, ठीक है। बाकी ये हमारा काफी लाड प्यार से पला है, ठीक है। इसका नाम रॉय है। रॉय? हाँ। और इसकी ब्रीड ये बुल मास्टिफ है।
ठीक है भाई। और बाकी आप देख सकते हैं इसकी हेल्थ वगैरह, बाकी आप पूछ सकते हैं इसके प्राइस रिलेटिव बातें। भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक बना रखा है इस भाई। भाई क्या खिलाते हो इसको? भाई ये अभी घर का ही खाना खा रहा है। घर के खाने में क्या खिलाते हो भाई? घर का खाना जैसे रोटी, ठीक है, रोटी दूध दही। अच्छा, और आपका रॉयल ग्रेन के साथ खाता है ये? अच्छा, हाँ जी भाई। और कभी कभार इसे अंडा मीट वगैरह दे देते हैं। अच्छा दे देते हो। तो भाई इसकी प्राइस की बात करूँ? भाई इसकी अगर आप प्राइस रिलेटिव बात करते हैं तो इसका भी आपको फीमेल मिल जाएगी 12 से 13 हज़ार रुपये में। 12-13 हज़ार रुपये? हाँ जी भाई, आपको मेल आपको मिल जाएगा इसका वही 16 से 18 हज़ार रुपये तक। और मार्केट प्राइस की बात करो तो कितना भाई? आपका मार्केट प्राइस अगर बात करोगे तो आपको इसके फीमेल ही फीमेल पड़ जाती है 20 हज़ार रुपये की। 20? और हाँ जी, और मेल आपका पड़ जाता है 28 से 30 हज़ार रुपये का। भाई और क्या चाहिए तुम्हारे लिए? इतना सस्ता लेके आ रहा हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है आपको, तो भाई कुछ नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। और कोई बंदा है कमेंट ना करे कि नकली ब्रीड है, नकली ब्रीड है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो एक बार क्वालिटी भाई कमेंट करके बताना कैसी है। कैसी छोटी सी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और भाई लाइक कितना होना चाहिए इस वीडियो का? भाई आपके कम से कम 1000 लाइक तो बनते हैं इस वीडियो पे भाई, ऐसे ऐसे ब्रीड दिखाने के लिए, है ना भाई? हाँ जी भाई। तो भाई लाइक तो बनता है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई और ऐसे ऐसे मजेदार ब्लॉग आते रहेंगे भाई के साथ, है ना भाई? बिल्कुल भाई, इतनी मेहनत करिए भाई इस डॉग के चक्कर में। और भाई हाँ लाइक जरूर कर देना, क्योंकि कोविड का टाइम है, फिर भी भाई आपके लिए हम इतना दूर कंटेंट बनाने के लिए आते हैं, तो भाई लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।